सभी किसान भाइयों को आपका बहुत बहुत स्वागत मंशा डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। और जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आया है, सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटी का निशान जोड़ दो ताकि अच्छे अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो गायें दिखाई दे रही है, सब हमारे घर की गायें हैं। और फुल डिटेल सहित बात करते हैं, इस गाय को जन्ने में महीना भर बचा है अब। और उधर से जो सेकंड नंबर पे बीच में बैठी हुई है वाइट वाली, ये दूध भी दे रही है अभी, और इसको भी महीना भर ही बचा है, तो दूध छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 20 दिन 15 दिन से, तो दूध पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पा रहा इसका। और काफ़ी टाइम की जनी हुई है ये भी, इसको लेट ज्ञापन करवाया था हमने, और ये यूपी से लाए थे एक समय, इसको हम सेल करने के लिए लाए थे, लेकिन ये बीमार हो गई थी उस समय, तो इसको हमने अपने घर पर रख लिया था। और बड़े समय तक अप डाउन चलता रहा था, कभी बीमार हो रही थी, कभी सही हो जाती थी, फिर बीमार हो जाती थी, कभी बाहर से ही थी लास्ट टाइम। और जो दूध था इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी दूध की, लेकिन बीमार होने इंजेक्शन लगने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आई थी इसको। लेकिन इसने इसका पीक का दूध जो दिया था वो 8-8 महीने 6-6 महीने बाद भी इसने लगभग 11-12 लीटर दूध निकाल दिया था। और साल भर 9 महीने से लेके तो 12 महीने के बीच में इसने 10 लीटर पे चल रही थी ये। और इसको ज्ञापन काफ़ी बात करवाया मैंने, अच्छा समय तक दूध लिया इससे, तो अच्छा पशु रहेगा तो कभी भी दिक्कत नहीं आती है, ड्राई होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं उनको। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की गाय है ये, एक नंबर जिसको बोल सकते हैं, क्रॉस ब्रीड गाय है और अच्छा बड़ा पशु है, एक महीने में जनेगी तो देखेंगे वापिस इस साल क्या, बिल्कुल अब स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है, तो इस साल 14-15 लीटर टाइम के दूध की मेरे को पूरी उम्मीद है इससे भी। तो ये हमारी वाइट ब्यूटी है, ये भी जनेगी एक महीने में, तो दो गाय एक साथ जन जाएगी। और अभी जो लेटेस्ट में जनी हुई गायें, ये दोनों जो आपकी स्क्रीन पे चलक गए बड़ा, ये दो गायें जो है ये अभी ताजी जनी हुई पे है। और दोनों की डिटेल ये है कि ये जो रेड वाली है 9-10 लीटर टाइम का दूध चल रही है अभी, और ये वाली जो है ये 11.5-12-11 के आसपास चल रही है अभी, अप डाउन चल रहा है अभी, किसी दिन 10.5 दे देती, किसी दिन 11.5 के आसपास दे देती, तो अभी बहुत अप डाउन चल रहा है इसका भी। इसका दूध जो है लास्ट टाइम 13 से 14 के बीच में था, और अभी भी इसमें 1.5-2 लीटर की कमी पड़ रही है, 2 लीटर के आसपास की कमी पड़ रही है। और वो 1.5-2 लीटर जो है वो बढ़ाने के लिए अपन ने इसकी जो फीडिंग है वो चेंज पिछले साल जो थी वो लाए हैं फीड, ये देख सकते हैं, मैं आपको फीड भी दिखाना चाहूँगा। ये तो चापड़ है, ये तो सभी को जा रहा है, स्पेशल में इसमें ख़त्म हो गया, अंदर गोदावरी पशु आहार है। और ये जो है ये इंडियन चूरी है, ये मिक्स चूरी रहती है, इसके अंदर सभी चीज़ मिक्स रहता है, जिसमें सोयाबीन मक्का गेहूँ चना जो जो भी रहता है सबकी मिक्सर है ये। उसके बाद जो मैंने लास्ट ईयर जो इसका दूध में जो बढ़ोतरी करी थी वो ये चीज़ है, इसके अंदर घर का दाना है। ओ माय गॉड, इसमें एक चीज़ देखने को मिली मुझे, थोड़ा सा इसमें हमको आज ध्यान रख के और सही करना पड़ेगी, इसमें थोड़ी सी कोने कोने पे चींटी आ गई है, तो इसको अभी हम सही करते हैं, थोड़ा धूप में रखना पड़ेगा ये घर का। इसके अंदर गेहूं और बाजरा है, ये देख सकते हैं आप, ये बाजरा और ये गेहूं, ये दोनों मिक्स है इसके अंदर। अब रही बात इसको पका के देने की, इसको खुला रखता हूँ थोड़ी देर, अब रही बात है इसको पका के देने की, तो वो पका इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम जो चल रहा है उसमें अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इस कारण से मैं इनको अभी ज़्यादा मात्रा में दे नहीं सकता, जो लास्ट ईयर इसकी डाइट थी वो डाइट में अभी दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये पीक पे गई थी 14 लीटर पे, वो गई थी ये जनवरी दिसंबर फरवरी के टाइम पे चल रही थी फुल दूध पे, जब ठंडा मौसम होता है। और अभी जो ये 1.5-2 लीटर अपन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये दूध तो बढ़ जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इसको अभी अपन ज़्यादा मात्रा में फीड दे दी बाजरा और गेहूं और ये सब जो दाना है, तो इससे ये दस्त लग जाएगी और रिवर्स आ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा अभी इसलिए इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो अभी इसकी जो डाइट चल रही वो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को गलतफहमी हो कि
बियर दाने से पशु दूध देता है तो वो माइंड में से निकाल देना, बियर दाने से पशु जो है वो कोई दूध दूध नहीं देता है, उससे थोड़ी सी कॉस्टिंग जरूर कम हो जाती है। इसको जो चल रहा है फीड में अभी गोदावरी पशु आहार, घर का मिक्स दाना, इंडियन चूरी, पोहा चूरी, चापड़, बियर दाना, इतनी चीज़ें अभी इसको हम दे रहे हैं इन दोनों को, जिनकी मात्रा जो है वो क्वांटिटी वो कम है अभी और बिना हरे चारे से दूध लग रही है। ये भी बता दूं मैं, सबसे मेन चीज़ जो है, जो लोग सोचते हैं बिना हरे चारे से डेयरी फार्म नहीं कर सकते उन लोगों के लिए स्पेशल, थोड़ा सा बॉडी वेट ज़रूर टूटता है पशुओं का, लेकिन ये है कि गायें जो है वो दूध निकाल देगी, अच्छा पशु है तो। अब इन्हीं गायों को अगर मैं 20-20 किलो 15-15 किलो अगर पर डे का हरा चारा अगर और इसमें ऐड कर दूं तो इनके ऊपर जो शाइनिंग और जो इनकी जो बॉडी का वेट जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा दूध देने के बाद भी। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो पशु रहते हैं इनका जो दूध निकालते हैं, जब ये ड्राई पीरियड में रहती है, जब इनकी इतनी अच्छी खटपट कर देता हूँ कि ये वापस से साल भर तक दूध अच्छे से दे लेती है। और मिल्किंग पे रहती है जब थोड़ा ज़रूर बॉडी वेट टूट जाता है, क्योंकि 12-12, 14-14 लीटर एक टाइम का जब शरीर में से दूध निकलता है तो काफ़ी चीज़ें जो रहती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, कैल्शियम वेल्शियम जो रहता है वो भी काफ़ी डाउन होता है बार बार, तो इसके लिए कैल्शियम देना ज़रूरी है, मिनरल मिक्सचर देना ज़रूरी है। और हरा चारा हमारे पास है नहीं, 3-3 किलो 6 किलो के आसपास हम सुखला देते हैं और जो अपनी फीडिंग रहती है वो देते हैं। तो अभी मेहनत चल रही है इन दोनों पशुओं पे, अब अपने को ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दूध दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, सबसे मेन चीज़ है संतुष्टि, मैं इन दोनों के जो दूध है उससे संतुष्ट हूँ अभी। और इस पर तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। अब इसकी मैं डिटेल बताऊँ आपको, ये जो गाय है इसके अंदर जर फंस गई थी, आधी जर फेंकी थी, आधी टूट गई थी, तो जर मैंने कोई हाथ नहीं डलवाया, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं करा, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ जब अंदर जर फंस जाती है या किसी कारण वो जर अंदर रह जाती है तो मैं कभी हाथ नहीं डलवाता हूँ, पहली चीज़ तो ये अंदर ही पड़े रहने देता हूँ और ऊपर से जो ट्रीटमेंट करना रहता है मुझे वो कर देता हूँ और उससे प्रॉपर हो जाती है गाय, जैसे कि ये गाय आपके सामने खड़ी हुई है, इसने जर नहीं फेंकी थी पूरी, लेकिन इसके बावजूद भी ये वाली जो गाय है ये बिल्कुल हष्ट पुष्ट स्वस्थ, खाने पीने से लेकर हर चीज़ में परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसको। ये देख सकते हैं इसका कुंडा, कुछ भी नहीं बचा है इसके कुंडे में, सब ख़त्म हो चुका है और खाने पीने में मस्त है, कोई टेंशन नहीं। और जर जो है उसका इलाज अपन बाहरी तौर पे ही करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा देता हूँ मैं ही, सेप्टिकोर सोडियम इंजेक्शन आता है वो लगा देते हैं स्टार्टिंग में, जब शुरुआत जनने के बाद में लस्टिन वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। और साथ में जो है इसको ओरल भी दे देता हूँ लिक्विड में। इसके बाद इसके बच्चादानी में जो है वो दवाई समय पर डलवाना पड़ती है, वो ध्यान देना पड़ता, सबसे मेन जो चीज़ रहती है वो रहती है, बच्चादानी में दवाई भी डलवा दी थी, 3 बार डलवाई है, 2 बार इंजेक्शन लगाए हैं, जिसमें बिल्कुल गाय मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब इस साल मेरी गाय ये जो है वापस जनने की तैयारी पे है और उम्मीद है इस साल भी 14-15 लीटर टाइम का दूध लगा देगी। इसका दूध तो बिल्कुल नपातुला है, हर साल की तरह ना बढ़ती है ना घटती है, इसका फिक्स्ड दूध है, 14-15 लीटर के बीच में चलती रहती है ये, वो मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। ये गाय जो सामने बैठी है ये 30+, ये 15 के ऊपर गई थी पिछले साल ये, लेकिन पिछले साल बाहर से भी आई थी राजस्थान से, काफ़ी धुरंधर गाय है ये भी, ये अभी 51 है और जब ये तूल पर रहेगी जब इसका वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगा, बहुत शानदार गाय है, अभी तो बॉडी वेट ज़रूर टूटा हुआ, मिल्किंग पे है और 51 भी है, बहुत दूध दिया इस गाय ने भी। तो गायें सब अच्छी है अभी, जितनी भी गायें खड़ी है, ये जो गाय है पेड़ी पीला गुजरात में लाया था मैं इसको भी राजस्थान से, ये भी काफ़ी शानदार थी इसके टाइम पे, लेकिन ये गाय हमारे यहाँ पे बिगड़ गई और बिगड़ने के पीछे कारण ये था कि इसने गैप फेंक दिया था और इसकी केड़ी मरी, बस जब से ये गड़बड़ हो गई पूरी। इसकी केड़ी बहुत शानदार थी मेरे पास में, कबरी केड़ी थी, बहुत शानदार क्वालिटी की केड़ी थी, वो 8 महीने की होने के बाद मर गई थी, वो ये केड़ी से इतना प्यार करती थी कि इसने दूध ही नहीं दिया बाद में, और फिर ये बस परेशान करती रही, इसलिए हमने इसको कोने में बांध दिया, मस्त खिलाते पिलाते हैं, दूध दूध भी बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं।
फिर ग्यावन भी हो चुकी है वापस से, अब ग्यावन है वो, अब बैठ के आराम करती है। जब नज़दीक आएगी, जब इसका अपन वीडियो शेयर करेंगे, सेकंड वाली एक महीने में जन लेगी, ये भी ग्यावन है, ये एक महीने में जनेगी, ये दो अभी मिल्किंग पे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये भी ग्यावन है और 4-4, 4.5 लीटर दूध लग रही है, काफ़ी शानदार क्वालिटी की आप बोल सकते हो इसको, छोटे कद की छोटी गाय लेकिन धुरंधर जिसको बोल सकते हैं आप। 6 फेट का दूध दिया इसने, 6-6 लीटर, जब 6-6 लीटर था, जब 5 फेट के आसपास था, और अभी इसका 7-6, 7-6, 7 के बीच में चल रहा है फेट परसेंट, और 4 लीटर दूध दे रही है अभी। और ग्यावन भी है, 3 महीने की कंफर्म ग्यावन है, और इसकी ये बच्ची है। तो कोई किसान भाई अगर ग्यावन लगेल पशु भी खरीदने का इच्छुक हो तो वो हमसे खरीद सकता है। बहुत अच्छी निकली ये गाय भी, इसने हमारे को 1% भी बिल्कुल नुकसान नहीं दिया, बहुत बहुत अच्छी निकली, जिसको बोल सकते हैं भैंस का, 1 लाख की भैंस का काम करा है इसने हमारे को। तो ये भी अपने घर पर ही है अभी, और कोई ख़रीदना चाहे तो अपन इसको बेच भी देंगे। उसके बाद में एक ये गाय है, ये एक डेयरी फार्म टूटा था वहाँ से लाया था, तो इस जब ये बाद में वीडियो बनाने के टाइम पे इसको जब ये तुल पाएगी, जब बनाएंगे, अभी तो दूध लग रही है ये। और ये जो है ये आकाशदीप की केड़ी चल रहा है अभी, 2-2 लीटर 1.5 लीटर टाइम का दूध पी रही है पर डे का, 3 से 3.5-4 लीटर के आसपास पिला रहे हैं, पीट खाने नहीं लगी अभी ये। ये केड़ी जो है इसकी मदर हमारे पास मर गई बेचारी, बहुत अच्छी केड़ी थी वो भी, और टॉप क्वालिटी की थी। ये हमारा हमारे घर की शान, टॉप क्वालिटी मुर्रा भैंस, जिसका मिल्क रिकॉर्ड 18 लीटर पर डे, और उसका ये बेटा, इसको भी बड़ा कर लिया पिछले साल का, चल रहे बाबू भाई नाम है इसका, ये देख सकते हैं आप बाबू भाई को। नॉर्मल डाइट पे भी बाबू भाई जो हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रोथ पकड़े हुए हैं, लंबाई और ऊंचाई देख सकते हैं बाबू भाई की आप, बिल्कुल शानदार उसकी माँ की तरह। ये जो बाबू भाई है ये जो है इसकी माँ के साथ में आया था, इसलिए इसका हमको अभी पूरा रिकॉर्ड नहीं पता, बाकी जो भी है बहुत शानदार है, टॉप क्वालिटी का पाड़ा जो है ये, और